फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं भुवनेश्वर से और अभी हमारा गूगल मैप दिखा रहा है 8 hours 20 minutes 439 kilometers कोलकाता और अप्रॉक्सीमेटली 1080 kilometers हम लोग कल चल चुके थे। सो अर्ली मॉर्निंग, अभी टाइम हो रहा है 6:10, रोड ऑलमोस्ट खाली है, सो प्रॉब्लम तो नहीं है। हम लोग जितना कोशिश करेंगे, अभी एकदम फ्रेश हैं, जल्दी जल्दी चलाने का। सो लेट्स सी कहाँ तक जा सकते हैं। ये हैदराबाद टू कोलकाता या फिर कोलकाता टू हैदराबाद के ये पूरे सफ़र में एक चीज़ तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि डोंट डिस्ट्रैक्ट विद नेशनल हाईवे 16, ठीक है, क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट रूट है। आप अगर नेशनल हाईवे 16 पकड़ के चलेंगे सो आपको डिस्ट्रैक्ट होने का कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सो रोड्स भुवनेश्वर में थोड़ा बन रहा है, लेकिन आई थिंक वो 6 month के अंदर कंप्लीट हो भी जाएगा। नेशनल हाईवे 16 तो वाइजाक एयरपोर्ट थी। हाँ, वाइजाक के बाद से 16, उससे पहले 65 है नेशनल हाईवे 65 एंड देन 16, एकदम स्ट्रेट ट्रिप टू कोलकाता। सो फ्रेंड्स, हम लोग भुवनेश्वर से निकल गए और अभी हाईवे पे थोड़ा भूख भी लगा है और अभी यहाँ पे रुक के थोड़ा सा करना है नाश्ता। और यहाँ पे सप्तस्ती ढाबा में हंस इसलिए रहा हूँ ना क्योंकि यहाँ पे कॉमेडी हो गया, मैं दिखाता हूँ। हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं चाय पीने के लिए और फिर सबका चाय ग्लास में आया, मेरे को आके बोलते हैं कि चाय नहीं है, तो ये इसमें चाय मिला स्टील के ग्लास में, तो ये बेस्ट है। ऊपर देखो, अच्छा नहीं, पहले पराठा दीजिए, पहले पराठा दीजिए, उधर करिए। सो फ्रेंड्स, एकदम जर्नी बहुत अच्छा है, यहाँ पे थोड़ा चाय वाय पियेंगे, खाना खाएंगे, नाश्ता, उसके बाद सीधा कलकत्ता। खावा गुलो भालो बनी है, फ्रेश चा। सो यहाँ पे मिला आलू का पराठा, ये खाना है और फिर उसके बाद निकलेंगे। भालो भालो नून कॉम, फ्रेंड्स ओवरऑल जर्नी वॉज वेरी गुड और कल रात को सोना भी जरूरी था, नहीं तो थक गया भी था और अभी तो खैर ठीक है, फ्रेश हो गया। भुवनेश्वर का रोड कंडीशन वेरी गुड, अभी बहुत अच्छा हो गया। बीच में थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने देखा कि कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो आई थिंक 6 महीने 1 साल में वो भी बन जाएगा। सो थ्रू आउट एलिवेटेड हाईवेज वेरी नाइस कंडीशन। जब हम लोग लास्ट ईयर भी आए थे तभी भी इतना अच्छा नहीं था भुवनेश्वर का कंडीशन, अभी तो क्या कंडीशन बहुत अच्छा है, क्या बोल दो स्वामी? एकदम बहुत ही अच्छा हो गया, रोड भी बहुत अच्छा है, मतलब ओवरऑल रोड अगर बोला जाए तो इतना अच्छा रोड हैदराबाद टू कोलकाता, ये एक ऐसा है पता नहीं, शायद इससे इसके बाद जब हम लोग आएंगे और भी अच्छा हो जाएगा, और भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा रोड अभी भी बन रहा है, हम लोग देखे हैं। हाँ, डेफिनेटली टोल चार्जेस बढ़ गया है, अभी तक का हम लोग का नहीं भी तो 2500 के लगभग टोल लग गया और प्रोबेबली 3000 या 3200-300 के लगभग और मतलब लगभग लगेगा टोटल। रोड्स आर अमेजिंग, आप लोग एंजॉय करोगे। अच्छा, इतना अच्छा रोड बना के देंगे तो टोल नहीं लेंगे? टोल तो लेगा ही, लेना चाहिए। हाँ, फिर ऐसे रोड कैसे मिलेगा जब आप टोल नहीं दोगे, तो टोल देना बनता है, अगर टोल दे के इतना अच्छा रोड मिलता है तो टोल देना जरूरी भी है। सो फ्रेंड्स, होपफुली आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, हमारे साथ एंजॉय करिए। और इस साइड का रोड तो अच्छा है, उस साइड का जब हम लोग आएंगे तब हम लोग फिर से ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि जो लास्ट ब्लॉग था वो 1 साल पहले का है, उस टाइम में रोड भी थोड़ा खराब था। और हम लोग को अभी तक मेरा गाड़ी चला है 1198 मतलब 1200 ही पकड़ लीजिए। और पेट्रोल मैं एक बार घर पे जाके हिसाब करके मैं कमेंट में डाल दूंगा, मैं आई थिंक
10,000 का अभी तक हुआ होगा। इग्निस का माइलेज 21.8 अभी दिखा रहा है, मैं 80-100 की स्पीड पे चला रहा हूँ। ज़बरदस्त माइलेज है इग्निस का, कोई सवाल जवाब नहीं होगा। इतना माइलेज सच में निकालना ऑन हाईवे इज डिफिकल्ट, वो भी सिर्फ रोड अच्छा वो रोड की वजह, हाँ डेफिनेटली रोड की वजह से। सो द माइलेज इज वेरी नाइस फॉर रोड, अच्छा है और गूगल गाइडेंस भी अच्छा है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मतलब उल्टा सीधा घूमना नहीं पड़ता है, तो उसके वजह से थोड़ा माइलेज अच्छा ही मिल जाता है। उल्टा सीधा घूमना पड़ेगा तो उसमें आधा तेल तो वहीं पे चला जाएगा। तो फ्रेंड्स एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप का थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको बोथ साइड जाने का और आने का एम्पल अमाउंट ऑफ पेट्रोल पंप मिल जाएगा। आपका टैंक अगर हाफ तक भी आ गया है तो थोड़ा भी घबराने का नहीं है, क्योंकि आई थिंक हर 5-10-15-20-25 किलोमीटर के बाद आपको पेट्रोल पंप मिलता जाएगा। सो पेट्रोल पंप को लेके तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और भुवनेश्वर में एक चीज़ मैंने नोटिस किया, रोड पे काफ़ी सारा स्पीड गन लगा हुआ है। सो आइडियली डोंट नो कि वहाँ पे कुछ चार्जेस लगेगा या नहीं लगेगा, बट ओवर स्पीडिंग में आई थिंक उड़ीसा के साइड में थोड़ा भी प्रॉब्लम चल रहा है। सो ट्राई टू मेंटेन स्पीड विद इन 80 उड़ीसा में, और फिर उड़ीसा के बाद आई थिंक ठीक है। अभी जैसे हम लोग जा रहे हैं तो अभी तो ठीक है, बट कटक उड़ीसा में स्पीड गन हम लोग को दिखा, सो थोड़ा स्पीड को कम करना पड़ा वहाँ पे। और बाकी रोड तो आपको पता ही है, मैंने बोला भी है काफ़ी बार कि रोड आर माइंड ब्लोइंग, रोड लेके तो कोई सवाल ही नहीं है यार, बस यही है कि पेशेंस लेके चलाते जाना है, ताई ना सोमी। इफ यू हैव लॉट ऑफ पेशेंस आप हैदराबाद टू कलकत्ता बाई रोड कर सकते हो, और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है एंड यू डोंट लव ड्राइविंग कार तो फ्लाइट ले लेना दोस्त, नहीं तो हालत खराब नहीं उससे भी बूढ़ा हो जाएगा। सही में यार, पसंद नहीं है तो उससे भी बूढ़ा हो जाएगा, बिकॉज 1600 किलोमीटर इज नॉट अ जोक। हाँ यहाँ पे रोड देखो थोड़े बहुत डाइवर्सन तो है, बट एक चीज़ है कि काम तो हो रहा है यार, जबरदस्त काम हो रहा है, दैट इज ट्रू। बालासोर, अच्छा बालासोर पहुंचे जी, बालासोर पुलिस स्टेशन, ओके बालासोर एकदम बेंगलुरु। हाँ अभी कितना दिखा रहा मीटर में किलोमीटर? 288 किलोमीटर। और ये देखो आंटी रॉन्ग साइड से स्कूटर लेके आ रही है। बेसिकली बालासोर जो जगह है यहाँ पे ही आपको जितने भी वो क्या बोलते हैं डाइवर्सन बालासोर में ही आपको मिलेंगे मैक्सिमम, और उधर ठीक है अभी भुवनेश्वर साइड तभी भी ठीक हो गया, लेकिन हाँ वही कि रोड तो बन रहा है, दिख रहा है आपको, तो ये बनने के बाद ये भी आई थिंक ओके हो जाएगा। पर पहले लास्ट टाइम जब आए थे तब भी बालासोर में रोड बन ही रहा था, स्लो है थोड़ा सा बालासोर में, थोड़ा स्लो है। जैसे कि उड़ीसा में हम लोग जब घुसे हैं वो उधर से, वहाँ पे बहुत सारा काम हो गया, बहुत सारा नया रोड बन गया, पर बालासोर में अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस। सो फ्रेंड्स सुबह का नाश्ता करने के बाद अभी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर चला लिए हैं, और चलाने के बाद यहाँ पे थोड़ा पेट्रोल पंप में हम लोग रुके, अभी थोड़ा छोटा सा शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक लेके फिर हम लोग आगे जाएंगे कोलकाता कोलाघाट में, लंच करने का प्लान है। सो लेट्स सी कहाँ तक होता है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे अभी थोड़ा ब्रेक लेंगे और फिर चलेंगे। तो ये है रिलायंस का पेट्रोल पंप, काफ़ी बड़ा है, दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे थोड़ा सा भी टॉयलेट ब्रेक होता है ना, तो बेटर टू टेक ऑन पेट्रोल पंप्स, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट रूल हर पेट्रोल पंप में टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं आप, कहीं पे भी हो, बाईपास में कभी भी। सो फ्रेंड्स फाइनली कोलकाता 214 जलेश्वर 7 हाँ और खड़गपुर 75 ना, ठीक है।
214 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ओके सो फ्रेंड्स, फाइनली वेस्ट बंगाल में एंट्री हो गया और यहाँ से हार्डली 200 किलोमीटर है। वहाँ पे कुछ चावल वावल कुछ काम हो रहा है यार। ए उगलो ते की आछे गो, गम आछे ना गम, इसको देखो खाली फोटोशूट हो रहा है रोड के बीच में। सो बस रोड पे ममता बनर्जी दीदी का फोटो देख लिया, बस हो गया वेस्ट बंगाल में एंट्री। वेलकम टू वेस्ट बंगाल। सो फ्रेंड्स, और ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, हम लोग अभी जाएंगे खाना खाएंगे और फिर खाना खा के अपने घर। तो मैक्सिमम और 4 घंटे का जर्नी हो सकता है, लेकिन देखते हैं और कितना टाइम लगे। यहाँ से अभी हम लोग का ज़्यादा दूर तो है नहीं, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा। गर्मी बहुत है, कलकत्ता का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी है ना, सो सारा गर्मी ज़्यादा ही लगता है यहाँ पे हैदराबाद से। और हम लोग का प्लान है अभी कोलाघाट पहुँचना है। कोलाघाट अराउंड 2 घंटे का अभी भी जर्नी है। कोलाघाट जाएंगे, वहाँ पे लंच करेंगे एंड फिर घर पे जाएंगे। सो देखते हैं कितना जल्दी हम लोग एंट्री कर सकते हैं। कोलकाता ढूके ममता दीदी फोटो देख ले। कोलाघाट आई थिंक, और थोड़ी देर में बंगाल इंटर कर। ये देखो कितना खाली जगह है, बहुत जोर से शुरू हो गई है बारिश। अब हम लोग हैं कोलाघाट में, बहुत जोर से बारिश शुरू हो गया है, सामने कुछ दिख नहीं रहा है वैसे तो, रोड भी नहीं गाड़ी भी नहीं, पर यहाँ पे अगर रुक जाए तो थोड़ा डर है कि पानी अटक जाएगा, जा नहीं पाएंगे फिर, इसीलिए चलना ही है। तो फ्रेंड्स, फाइनली पहुंच गया हुगली ब्रिज, और यहाँ पे पहुंचने के बाद जो फीलिंग होता है ना, वो मैं बता के नहीं बता सकता मैं सच में, क्योंकि 1600 किलोमीटर ड्राइव करके टीएस नंबर प्लेट को डब्ल्यूबी नंबर प्लेट के साथ मिलाना, वो भी बंगाल में, दैट इज अमेजिंग। सो फाइनली हमारी ममता दीदी हाथ जोड़ के हमारा वेलकम कर रही है। सो ये भी एक देखने वाली बात है, और ये है अमेजिंग कलकत्ता का केबल ब्रिज। होपफुली आप लोग को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, हैदराबाद टू कोलकाता। और अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आप लोग को और भी कुछ जानना है मेरे वीडियो के थ्रू जो मैं नहीं दिखा पाया, लेट मी नो कमेंट में, मैं आप लोग को जरूर बता दूंगा। और फिर मिलेंगे आप लोग के साथ फिर नए ब्लॉग में, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड टू गोस्ट फॉर ऑल। बाय।